575 ounces के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए जी, जो हमारा आखिरी एपिसोड था वो था आईपीएल के सपोजली स्टार्ट डेट पर। वी हैड पिक्ड आईपीएल ऑल टाइम 11s एंड उसके बाद से अब तक काफी टाइम हो गया, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन हमने यहाँ पे ये शपथ खाई है कि हफ्ते में दो दिन तो आपके सामने हम लोग आएंगे, क्योंकि ये क्वारंटीन का टाइम है, किसी को कुछ करने को है नहीं, तो बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक दिन जो भी हॉट न्यूज टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खेल कूद तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कुछ बोले जा रहे हैं पूर्व क्रिकेटर्स या कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम तीनों ऑफ कोर्स चर्चा करेंगे। और साथ ही में वी विल ट्राई ब्रिंगिंग वन फीचर अ वीक फॉर यू व्हिच इज बियॉन्ड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट करंटली। एज ऑलवेज मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी, हमारे टीम प्लेयर्स जेमी ऑल्टर एंड निखिल नाज। जेमी, बाय द वे सर, आपने क्या कहते हैं कहर मचाया हुआ है सोशल मीडिया में, सर हमारे लिए भी कुछ गाने वाने लगवा दो, कुछ तो हमारे को भी करो 575 वालों के लिए। हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि आप रिक्वेस्ट लेते हो, तो मैंने सोचा यार पहले मना करूंगा, अब मैं हाँ कह रहा हूँ। तो बहुत अलग अलग ऑप्शन आए, देखेंगे कहाँ तक चल रही है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में क्या है, मेरा ये मानना है, बहुत लोग से कह चुका हूँ, इतनी नेगेटिव चीज तो आ रही है व्हाट्सएप पे, यार कुछ कुछ पॉजिटिव निकालो। बच्चों के होमवर्क को छोड़ के बीच में कुछ एक घंटा मिलता है, तो मैंने कहा मैं कुछ टाइम पास करने वाला हूँ। एंड द फीडबैक इज बीन खुश हूँ, और थोड़ा जो जितना 90s का मैं प्रेमी हूँ वो भी साफ नजर आ रहा है सबको। तो सर वैसे आपको आपको देखने के बाद मैंने अपनी बीवी के सामने आज कुछ गाने लगाए, रिकॉर्ड डाला, उसने कहा गेट अवे। अरे वाह। एनीवे, नॉनदलेस, कीप डूइंग, डोंट गिव अप। या सर, तभी तो शादी हो गई, गिव अप नहीं किया। But point being that the big talking point today, of course, that we're talking about is this quote that's come from Michael Clarke, former Australia captain Nikhil, jinhone saaf saaf bol diya. And to be fair, what he said is something that's been spoken about in circles, probably off camera and not on camera. But the fact that someone's saying it on camera is why we're talking about it. Unhone kaha ki jo abhi haal hi mein jab Australia India team gayi thi, unhone wo aitihasik tour apne naam kiya tha. Those time Australian players were scared of sledging someone like a Virat Kohli because they thought it might have an impact on them getting an IPL contract. Sir, ye pehle to iski timing from a court perspective, you should always keep into mind the timing of the court. Now this has come 6 months after the tour, close to 6 months after the tour. नहीं, वो टाइमिंग आई थिंक इस बार हम वैसे अक्सर न्यूज में टाइमिंग का बहुत देखते हैं कि कब किसने क्या बोला ये वो, लेकिन इस बार मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देते हैं हम टाइमिंग को। मेनली बिकॉज किसको क्या पता था क्वारंटीन आ जाएगा, तो जब ये क्वारंटीन का टाइम आया पुरानी कहानियां ही निकली जा रही है। अब क्या हो रहा है न्यूज में, नया माल कुछ आ नहीं रहा तो पुरानी है। ऐसा आ गया है दिन, मतलब आई जस्ट वांट टू कोट अनदर एग्जांपल, एक बड़ी हेडलाइन बनी हुई है कि गावस्कर ने की एमएस धोनी की तारीफ, वो मतलब वो स्टोरी इतनी बार रिसाइकल हो चुकी है कि वो एयरक्राफ्ट में पीछे बैठे इकोनॉमी क्लास में फास्ट बॉलर्स को बढ़ाया, मेरे को पिछले दो वर्ल्ड कप याद है, हर मुझे भी याद है यार। रिसाइकल होके आज एक ऐसा दिन आ गया है बिकॉज पब्लिक मेमोरी सो शॉर्ट कि आज वो ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन चल रही है विदाउट रियलाइजिंग ये 10 बार पहले आ चुकी है खबर। एम एस धोनी तो अभी कैप्टन भी नहीं है कितने साल से। सो आई यू नो इग्नोर द टाइमिंग ऑन दिस वन, क्योंकि सिंपली ये बात इसलिए है क्योंकि कुछ है नहीं, तो अब जब पत्रकार आपके और हमारी तरह जैसे कॉन्टेंट ढूंढ रहे हैं तो फोन लगा देते हैं कोई किसी प्लेयर को, वो कुछ पुरानी बात कह देता है, हमें लगता है ये नई बात है तो उसको हम हेडलाइन बना देते हैं। एक और चीज ऐसी अभी आई है, सचिन तेंदुलकर ने कहा था एम एस धोनी को कि आप नंबर 4 पर जाएं 2011 वर्ल्ड कप में, वो भी रिसाइकल हो गया, वापस हेडलाइन बन रही, तो काफी चीजें रिसाइकल हो रही है। हालांकि क्लार्क नहीं हुई इसलिए टाइमिंग को मैं अलग कर देता हूँ, बट लेट्स लुक एट ए स्टेटमेंट। अब हम जाते हैं जैसे आप बता रहे हो फैक्ट के उस पर, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है कि मैं अग्री ही नहीं करता उनसे, क्योंकि ये तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्लेज नहीं किया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। आप अभी मैंने वो द टेस्ट देखा, ठीक है, अमेजोन प्राइम पे, वहां पर ऐसा मोमेंट है जब टिम पेन वापस स्लेज करते हैं कोहली को, दैट इज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। वो मतलब जो ऑस्ट्रेलियन प्रोड्यूसर्स या टीम ने उसको ऐसे हाईलाइट किया कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो मतलब दे आर हैप्पी अबाउट इट, नहीं करना चाहते विराट को स्लेज ये वो, तो वो चीज उस तरह से दिखाई नहीं जाती और ये बिहाइंड द सीन्स है। तो इसमें आप जस्टिन लैंगर को भी सुन सकते हो स्लेजिंग के बारे में, टिम पेन भी अपने बता रहे कि कैसे ही हेल्ड इज ओन, और कोहली को उन्हीं की यू नो लैंग्वेज में जवाब दिया। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने स्लेज किया, ये तो है। तो
माइकल क्लार्क का कहना कि वो स्लेज नहीं करते वो अलग बात है। हाँ, अब हम दूसरे लेवल पे जाते हैं कि डिग्री ऑफ स्लेजिंग क्या थी। हो सकता है कि उतनी स्लेजिंग नहीं हो रही हो जितनी पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीमें करती थी। भाई भाई उसमें फर्क तो ये भी है ना कि पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम थी ऐसी जो दे कुड अफोर्ड टू स्लेज। क्या ये टिम पेन वाली ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेज करने को अफोर्ड कर सकती है? मतलब स्लेजिंग तो तभी आती है ना जब आप 100 मारते हो और फिर दूसरे को स्लेज करते हो। जब आपसे खुद ही नहीं रन बन रहे आप किस को किस मतलब करोगे और स्लेजिंग से आपको क्या अचीव भी क्या होगा। सो ये दो चीजें हैं, एक तो स्लेजिंग करी तो क्लार्क का कहना नहीं हुई इज इनकरेक्ट, स्लेजिंग हुई थी और वो डॉक्यूमेंटेड भी है। दूसरा, लेवल ऑफ स्लेजिंग कुड हैव बीन लेस देन प्रीवियस ऑस्ट्रेलियन टीम, बट टैलेंट भी तो उनसे कम है, परफॉर्मेंस भी तो उनसे कम है, तो स्लेजिंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी उस लिहाज से। जेमी जो तो टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड आई डोंट नो इफ निखिल इज गोना एग्री विद मी कि वो कह रहे हैं स्लेज हुआ, मैंने भी टेस्ट देखा है, इट्स अ प्रीटी नाइस सीरीज। द पॉइंट बीइंग टिम पेन, नेथन लायन एंड जस्टिन लैंगर, राइट, थ्री पीपल हैव नथिंग टू डू विद द आईपीएल, वर एट द फोरफ्रंट ऑफ द स्लेजिंग। सो आई थिंक प्रोबब्ली व्हाट क्लार्क इज सेइंग इज द अदर पीपल हु हैड आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन देयर हैंड, उनका हमने कुछ देखा नहीं ज्यादा वहां पे स्लेजिंग हो रही थी, बिकॉज इवन इट्स डॉक्यूमेंटेड मोस्टली वाज टिम पेन एंड नेथन लायन जो साथ में मिलकर बात कर रहे थे कि कोहली को ऐसे टारगेट करो वैसे करो, ही इज गेटिंग इरिटेटेड एंड ही इज गेटिंग अ लिटिल एग्रो। देखिए मैं भी बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज आई गिव यू सम एग्जांपल। एक तो क्या है, उस सीरीज के कुछ 7-8 महीने पहले पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ने दोनों कुछ कमेंट दिए थे कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम विराट कोहली को बिल्कुल रन बनाने नहीं देंगे, जो उन्होंने 2014-15 टूर पे जब कुछ पता नहीं कितने 550-600 रन मारे थे। और अगर आप देखो वही हुआ, विराट कोहली ने सिर्फ एक शतक मारी थी 123 इन विदाउट एंड दैट इज अ मैच व्हिच दे लॉस्ट। एक जो विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, आई थिंक बिकॉज यू हैव कैप्टन लाइक फाफ डुप्लेसी सेड कि जितना आप विराट कोहली के स्किन के अंदर जाओगे उसी में है वो थ्राइव करेंगे, ठीक है। और विराट कोहली ने उसके कुछ भी कहने से जो है कोई फ्रेंचाइज उनको ना लेंगे। हाँ, हो सके आरसीबी की बात कहें तो मे बी वहां तक कोई लोग उसको नहीं लेंगे, बट आई डोंट थिंक विराट कोहली स्पैट विद विराट, मैं जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, मैं नहीं कह रहा कि उसने कर रहा है सही कर रहा है वो कर रहा है, जस्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। सर, सो मैं कह रहा हूं कि इफ यू हैव अ स्पैट विद विराट कोहली, यू अर्न अ लॉट ऑफ बैड प्रेस, यू अर्न अ लॉट ऑफ बैड पीआर फॉर व्हाटएवर रीजन, यू डोंट थिंक इट कुड हैव एन इंपैक्ट ऑन एन इंडियन ओनर सेइंग कि यहां पे भारतीय कप्तान के साथ उसकी लड़ाई हुई है, द पब्लिक इज नॉट लाइकिंग हिम, तो उसको मत लो भाई, टू अवॉइड बैड पीआर। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि विराट कोहली ने बार बार इस कॉन्सेप्ट के नीचे लाइन खींचा है कि जो फील्ड पे होता है वो होता है उसके, एंड ही इज मेड अ पॉइंट टू गो एंड यू नो बी सीन विद गाय। विराट कोहली फोटो ऑप्स को बहुत मानते हैं, विराट कोहली इज फुली अवेयर कि जितने भी ग्राउंड में 36-40 कैमरा है वो मेरे ऊपर आना चाहिए, तो ही इज मेड अ पॉइंट whether it's Steven Smith and that brain, उसके बाद he's made a point to go and shake hands, to hug him, तो ये सब होता ही है। तो I don't think, and also going back to जो निखिल ने कहा था, the timing of this, पहली बार जब मैंने ये quote देखा, मैंने कहा यार मेरे दिमाग में आया कि Michael Clarke की कोई नई book आ रही है क्या? Because he's very shrewd, he always chooses, he chooses when to say, इसके दो तीन wheeler dealer types हैं या हमारे fraternity में, बिल्कुल, planning something, but of course like निखिल said, अभी यहाँ पे वो माहौल निकली, the world is उल्टा पुल्टा हो गया ये संभव वायरस के चक्कर में, but I don't think it's true, and if it is even there's even an iota of truth in it, फिर तो बड़ी शर्म की बात है कि लोग जो हैं मतलब दिग्गज people like Stark and all these guys, this is in my तो हमें ये मैच देखना ही बंद करना चाहिए। I wouldn't give too much importance to what Michael Clarke is saying. That's my view. Sir, but taking the devil's advocate stance, but to be fair, and ever since the IPL has become the behemoth that it has become. And let's just say it's thriving the cricket economy, courtesy of the IPL. And it's not just on players, people associated with it, broadcasters like us who indirectly are working on the league. And a lot of commentators that come from abroad and Indian former players over here saying everyone is opening up to Indian players. Everyone is being very nice to Indian players. So this is just not pointing at Michael Clarke saying ki us tour mein unhone usko sledge nahi kiya. बट एक बिगर स्टोरी है ना निखिल यहाँ पे कि बिकॉज योर अर्निंग्स आर सो मच ऑफ कर्टेसी ऑफ दोस टू मंथ्स ऑफ प्ले, इट कुड इंपैक्ट योर लाइवलीहुड गोइंग फॉरवर्ड। तो आदमी के दिमाग में आएगा ना सोच कि यार मैं बोलूं नहीं बोलूं कुछ यहाँ पे।
नहीं देखिए, एक चीज है इसमें, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जब से आईपीएल आया है द आउटलुक ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स टुवर्ड्स इंडिया हैव चेंज, मैं मानता हूं ये बात, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ज्यादा दोषी है तो वो करंट प्लेयर्स से ज्यादा फॉर्मर प्लेयर्स हैं, और इसमें मैं माइकल क्लार्क का भी नाम लूंगा। माइकल क्लार्क हो सकता है कि वो माइकल क्लार्क जो एज अ प्लेयर थे वो माइकल क्लार्क एज अ कमेंटेटर ना हो, तो माइकल क्लार्क एज अ कमेंटेटर इज मोर गिल्टी ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन इंडियन प्लेयर्स एंड एनालिसिस रादर देन जो अभी के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं एज प्लेयर्स। मुझे नहीं लगता कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो या कोई भी दुनिया का प्लेयर हो जब वो ग्राउंड पे होगा तो ही विल ट्राई टू गेट एनी एडवांटेज टू विन द मैच, ठीक है। वो द स्टेक्स आर सो हाई कि आपको अगर लगता है स्लेजिंग से या अग्रेसिव होके या कोई भी तरीके से आप मैच जीत सकते हो तो यू विल गिव योर 100% डू दैट, आपके दिमाग में तब आईपीएल नहीं आएगा। गिल्टी कौन है जो हु हैज नो स्किन इन द गेम एज फार एज जहां तक आप खेल रहे हो, आप कॉमेंटेटर हो, आप एक्सपर्ट हो, आप बाहर बैठे हो। इसमें बहुत पुराने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो एक टाइम पे इंडिया आना नहीं चाहते थे, यहाँ का खाना नहीं पसंद था उनको, यहाँ टोर नहीं करते, बोलते थे वहां धूल मट्टी भीड़ है, वो अब जब कमेंटेटर्स बन गए तो वो तारीफ हो गए, पुल मानते हैं इंडिया की, तो दे आर मोर गिल्टी। सो द लाइक्स ऑफ माइकल क्लार्क आर मोर गिल्टी बीइंग कमेंटेटर्स क्योंकि उनको आईपीएल के टाइम ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट मिले या फिर कोई और भी इंडियन क्रिकेट से जुड़ा ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट मिले रादर देन द प्लेयर्स। जहां तक प्लेयर्स की मैंने एक बात की, एक तो ये भी होता है ना, अब जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, आईपीएल इस दौर में आया जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट उस मुकाम पर नहीं है जब जो जैसा था, तो मैं वही कहता हूँ परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इक्वेट करती है आप किस तरह के स्लेजर और कितने अग्रेसिव हैं। आप मिसाल के तौर पर आप पिछले उस दौर में जाए जब शेन वॉन, मैकग्रा और ये सब अपने एंड ऑफ द करियर में आए आईपीएल में, लेकिन जब पीक पर थे तब अगर आईपीएल होती तो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा तो आपको लगता है मैथ्यू हेडन स्लेज नहीं करते, आपको लगता है कि ग्लेन मैकग्रा स्लेज नहीं करते, शेन वॉन कुछ नहीं कहते ऐसा हो? No, but you don't know it, Nikhil. I'm just saying it's this. It's saying, look, because we are so emotionally connected to our cricketers. अच्छा, मैं आपको we're very emotionally connected, sir, to our cricketers. तो आप वो तो conjecture हुआ, मैं आपको current example ले रहा हूँ। डेविड वॉर्नर अगर उस सीरीज में खेल रहे होते और उनको मौका मिलता, क्या वो स्लेज नहीं करते? क्या वो आईपीएल नहीं खेलते आके हैदराबाद में? कोई चांस ही नहीं है कि डेविड वॉर्नर नहीं खेलते। बट निखिल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेविड वॉर्नर एंड एनी अदर प्लेयर, बिकॉज़ डेविड वॉर्नर इज अ मेनस्टे इन दैट फ्रैंचाइज, ही ऑलरेडी मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ परफॉर्मेंस इक्वल्स दैट। आप स्लेज कौन कर सकता है आज के दिन में यार? मतलब विजय शंकर थोड़ी कर सकता है, इवन इफ इज अ स्लेजर वो नहीं कर सकता, जब तक वो रन नहीं बनाएगा विकेट नहीं लेगा वो कैसे स्लेज करेगा? डेविड वॉर्नर कैन क्योंकि वो रन बना रहे, वो भी तो खेलते हैं आईपीएल, पर वो स्लेज करेंगे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है, एंड प्लस यू हैव टू बैक योर स्लेजिंग विद रन्स एंड ही डज दैट, सो ही विल डू इट। मिचेल स्टार्क कैन स्लेज, ही कैन बैक हिज बोलिंग विद द परफॉर्मेंस, उनको भी तो आईपीएल में बड़े मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, दे विल नॉट बैक डाउन। सो जो प्लेयर है जो परफॉर्म करता है वो स्लेज करेगा, और उसको आईपीएल की कोई नहीं पड़ी, वो जीतना चाहता है उस वक्त जब वो खेल रहा है। हाँ, एक्स प्लेयर्स को ज्यादा पड़ी होती है। अगर हम सिवर के बारे में बात करें, आपको देखना है कि उस ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग स्क्वाड में कितने प्लेयर आईपीएल खेलते भी है, ठीक है? डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ तो वहां पे थे नहीं, ठीक है? टिम पेन ये सब नहीं खेलते। अगर उसमें है जो वो पैट कमिंस है, जिनको हाल ही में, अगेन वी कैन लुक एट हाइंडसाइट इन दिस आर्गुमेंट, उनको इस साल जाके बहुत बड़ी रकम मिली थी। मिचेल स्टार्क तीन सीजन से आईपीएल खेले भी नहीं, उनको खेलना नहीं है, वो कह चुके मेरी प्रायोरिटी है ऑस्ट्रेलिया, पहले वर्ल्ड कप था। इनकी जो फ्रेजाइल बैक है, ही इज ऑलवेज ऑप्शन में तो आए ना, केकेआर से मोटे पैसे लेके गए ना, चाहे जो भी हो। उस टाइम की बात कर रहा हूं, यू हैव टू लुक एट इन द टाइम। माइकल क्लार्क ने ये बात अब की है, डेढ़ साल के बाद। उस टाइम पे कितने लोग थे उस प्लेइंग 11 में अक्रॉस दोस फोर टेस्ट मैचेस जिनके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है? 3-4 फील्ड पे कहां खड़े होते हैं वो? दो फास्ट बॉलर थे जो मुझे याद आ रहे हैं, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। उस वक्त मिचेल स्टार्क द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड टू माय माइंड वुड हैव बीन द आईपीएल, क्योंकि वो 3 साल तक आईपीएल नहीं खेल चुके थे, राइट? पैट कमिंस उस सीरीज के बाद ही श्रीलंका टूर के टाइम पे वो नंबर वन रैंक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बने थे। तो आई डोंट थिंक वी शुड रियली रीड इन टू मच इनटू, आई डोंट वांट टू डैम्पन द डिस्कशन, बट माइकल क्लार्क की बात में आई डोंट थिंक इतनी कोई दम है। अच्छा, जस्ट सिंस वी ब्रॉट अप कमेंटेटर्स एंड एक्स प्लेयर्स, एंड वी ऑल अग्री दैट एक्स प्लेयर्स एंड कमेंटेटर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ डूइंग दिस, प्रोबब्ली नॉट करंट प्लेयर्स। एक कमेंटेटर है जो मुझे बहुत पसंद है, जो हु डजंट केयर, एंड हिज डिसडेन
for T20 cricket is pretty evident. His disdain for franchise cricket is pretty evident. That's Michael Holding. जिन्होंने इस आईसीसी वर्ल्ड कप में भी व्हेन आईसीसी वाज ट्राइंग टू क्लैंप डाउन ऑन देयर कमेंटेटर्स रिमेंबर सेइंग दैट टेक इट इजी ऑन द अंपायर्स यस देयर आर सम हाउलर्स बट एज कमेंटेटर्स टेक इट इजी उसने वापस आईसीसी को जवाब दिया और ऐसे कमेंटेटर्स बहुत कम है ना पूरी दुनिया में हु डोंट रियली केयर हु हैव नथिंग टू लूज हटाओ हटाओ अपने वो काम करना है करेंगे नहीं करेंगे कोई बात नहीं घर बैठेंगे आराम से मजे करेंगे हाँ आई अग्री ऐसे बहुत कम है और ये एक परसेप्शन है कि यू नो मुझे लाइन को टो करना है बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारे करंट जो प्लेयर्स के पास पावर है वो भी गिल्टी हैं अगर ऐसा नहीं होता ऐसे हमने सुना है पहले कि कई कमेंटेटर्स लॉस्ट देयर जॉब क्योंकि वो ओवर क्रिटिकल थे टीमों के बारे में तो अगर ये ट्रेंड रहेगा अगर प्लेयर्स को इतनी पावर रहेगी और अगर ये खबर सही है तो फिर कोई भी कमेंटेटर घबराएगा भाई आप प्लेयर नहीं है आपका लाइवलीहुड डिपेंड करता है तो यू विल बिकम मोर केयरफुल बट जैसे आपने कहा ना एज अ व्यूअर मैं चाहूंगा कि एक कमेंटेटर अगर वो इंडिया का नियम एक और मैं मिसाल लेता हूँ शोएब अख्तर की जैसे ठीक है ना हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते थे तो भी लव की शो मतलब शोएब अगेंस्ट इंडियन प्लेयर्स है या बाउंसर्स डाल रहा है या स्लेच कर रहा है तो तभी तो कॉन्टेस्ट बनता है ना दैट इज व्हाई वी वांट एज इंडियन हमारे बैट्समैन उसके खिलाफ अच्छा करें वही अगर बट म्यूटेड सा शोएब अख्तर होता आता हेलो हाय करता तो वो कॉन्टेस्ट ही नहीं रहता तो आज भी एज अ कॉमेंटेटर व्हेन शोएब कम्स आई वुड लाइक हिम टू क्रिटिसाइज द इंडियन प्लेयर्स यार ये यहाँ पर वीकनेस है या वो वीकनेस है एंड कोई उसको सपोर्ट करे या उसके अगेंस्ट जाए वो मुझे पसंद आएगा लेकिन अब ये हो रहा है कि हार्डली कोई होगा जो आके विराट द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड जो वो बहुत हद तक है बट कोई उनकी खामियां नहीं निकालेगा या फिर कोई और बड़ा स्टार हो MS धोनी हो उनकी कोई इतनी कोई खामियां निकालेगा तो ये चीज एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई भी इंसान चाहता है कि ना जाए क्रिकेट से ये वही रहना चाहिए जैसे प्लेयर जितने वो दमदार थे जितने खिलाफ थे वो रहना चाहिए इट विल ओनली मेक क्रिकेट ब्रॉडकास्ट बेटर एक कमेंटेटर और है जो हमेशा से कॉन्ट्रेरियन रहे हैं वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी गवा चुके हैं संजय मांजरेकर हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी प्लेयर ने कहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट चला गया हो कुछ और भी कारण हो सकते हैं उसके पीछे लेकिन कुछ जो थोड़े से कॉन्ट्रेरियन टाइप होते हैं उनको ना ज्यादा फैंस भी पसंद करते हैं ना जो पावर्स दैट बी पसंद करते हैं तो इन सब की वजह से होता है कि आप वो आवाजें नहीं अब उतनी सुनने को मिलती जैसे पहले मिलती अच्छा जेमी भाई क्विकली सिंस वी टॉकिंग अबाउट दैट ऑस्ट्रेलिया टूर जो अर्जे हो गए हैं उस टूर को व्हिच वाज अ वेरी विक्टोरियस टूर वकार यूनुस पाकिस्तान ग्रेट का एक कोट आया है कि इंडिया वुड नॉट हैव वन दैट ऑस्ट्रेलिया टूर इफ स्मिथ एंड वॉर्नर वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द साइड डिबेटेबल वेरी डिबेटेबल बिकॉज आप दो बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात कर रहे हो एंड टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ दैट स्क्वाड उनको अगर आपने निकाल दिया है बट यू थिंक इट्स अ टैड बिट अनफेयर ऑन द इंडियन टीम जिन्होंने वहां पे जाके दे हैव डन समथिंग दैट हैज बीन डन बाय नो अदर इंडियन टीम इन द पास्ट अनफेयर इसलिए क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हो आपके पास कोई से नहीं है कि सामने वाली टीम क्या है सामने वाली कंडीशंस क्या है यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द टीम दैट इज पुट अप अगेंस्ट यू सो फुल क्रेडिट टू विराट कोहली एंड हिज टीम फॉर विनिंग इट अ लॉट ऑफ क्रेडिट हम पहले भी बात कर चुके हैं उस सीरीज में इंडिया की फास्ट बॉलिंग और चेतेश्वर पुजारा इनके बल पे जो है वो टेस्ट सीरीज जीती थी ये मत भूलिए कि वो पहला टेस्ट था एडिलेड में It went down to the last half an hour. अगर ऑस्ट्रेलिया की जो टेल एंड थी अगर वो आधा घंटा और खेल लेते तो वो होता ड्रॉ फिर वो जीतते फिर वो उन्होंने जीता पर्थ में फिर इंडिया जीती मेलबर्न में और अगर बारिश हुई थी इट कुड वेरी इजिली एंड आई एम सेइंग वेरी इजिली नॉट यूजिंग द टर्म वेरी लाइटली इट कुड हैव बीन 1-1 बट ये है मुझे बिल्कुल आई ऑल्सो अग्री विद कि अगर वो दोनों होते तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होता वो सीरीज जीतना क्योंकि दे आर द टू इनका रिकॉर्ड देखो आप इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया मैंने यहाँ पे ठीक है थोड़ा वाईफाई इश्यूज हो रहे हैं तो आई थिंक इट्स आल्सो क्यू दैट वी नीड टू शट दिस एपिसोड Nikhil, what do you have a point? एक चीज तो मैं उस अगेन जेमी टच्ड अपॉन इट तो मैं वापस उस चीज पे भी जाता हूँ अबाउट विराट कोहली जो स्लेजिंग के बारे में वो कह रहे थे कि भाई स्लेजिंग नहीं हुई ये नहीं हुई क्योंकि ये चीज भी अगर आप वो टेस्ट देखे ना आपको पता चलता है अंदर क्या बातें चल रही थी तो एक ये सोची समझी रणनीति भी थी ऑस्ट्रेलिया की कि विराट को आप स्लेज ना करें
अगर आप उस सीरीज को देखें वहां पर एक वो आता है कि विराट को एज अ सुपरस्टार उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि इज द सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट। उनको अगर आप पंगे लोगे तो वो और थोड़े डिटर्मिंड हो जाते हैं, रन बनाते हैं, तो एक तरह से कुछ अंदर टीम में डिसाइड किया जाता है कि वी विल इग्नोर हिम। और इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है कि भाई वी विल इग्नोर हिम कंप्लीटली, स्लेच करना ही नहीं है, क्योंकि आप स्लेच करोगे तो वो और गुस्से में आएंगे और रन बनाएंगे। तो ये कहना कि भाई आईपीएल की वजह से वो स्लेज नहीं कर रहे थे भी गलत होगा। दिस वॉज पूरी सोची समझी रणनीति ऑस्ट्रेलिया की कि उनसे बात नहीं करेंगे। वो पुराना टूर सबको याद है 2014 वाला जो हुआ था, पहली बॉल जो उन्होंने फेस करी थी, मिचेल जॉनसन आए जोश में, पहली बॉल हेलमेट पे मारी और जरा स्टेयर वेयर किया। उसके बाद जो उन्होंने उनकी धुलाई करी है उस पूरे टूर में विराट कोहली ने, उनको याद आ गया कि नहीं भाई ये एक ऐसा शख्स है जिसको मजा आता है। अगर आप पुराने क्रिकेट की याद करें ना तो जावेद मियांदाद एक ऐसे प्लेयर होते थे जिनको बड़ा मजा आता था कि आप में से बात करें, और कई बार वो खुद बात करना शुरू करते थे क्योंकि उनके अंदर वो क्या कहते हैं इंस्पिरेशन ही नहीं आती थी। जब तक कोई कुछ बोले ना तो जानबूझ के कुछ कुछ बात करते थे, जैसे ही कोई बोलता था वो एकदम जोन्ड इन हो जाते थे और फिर रन बनाते थे। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, तो ये सब सोच के भी उन्होंने शायद ये कारण था कि उन्होंने स्लेज नहीं किया। और जहां तक वकार की बात है, देखिए फैक्चुअली तो पॉइंट करेक्ट है कि नहीं थे वो, आई मीन आई कैन नॉट डाउट दैट कि वॉर्नर और स्मिथ नहीं थे, ये भी हम जानते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, खेलते तो फर्क पड़ता। बट एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन है, हम सब क्या याद करेंगे जब भारत गया था साल 2018-19 में, तो क्या हुआ था, इंडियन टीम जीत के आई थी टेस्ट सीरीज में। वैसे ही जैसे 2004-05 में कहेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम वो आए थे, अब हम बात कर ले नागपुर की पिच ऑस्ट्रेलिया के लिए बनी थी, गांगुली नहीं खेले थे, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया आई जीत के चली गई। वैसा इंडिया गई जीत के चली गई। आपको नहीं करनी चाहिए थी वो बॉल के साथ जो भी आपने करा, सैंड पेपर गेट नहीं करते तो आप खेलते, आपने करा तो आप नहीं खेलते, एंड ऑफ द मैटर। बस एक चीज चाहूंगा, बकार यूनिस कमेंट्री में आए ताकि ऑनेस्ट ओपिनियन तो दे कोई, कोई आके ये कहे तो, वरना ये चीज कोई कहता ही नहीं है कि अरे ऐसा होता तो शायद इंडिया हार जाती, शायद यही कमेंट्री करे तो शायद मजा आएगा, उसी चीज पे चले जाते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे। Sir, I think also because he's making these comments is because he has nothing to lose. Like we've touched before, because he's not commentating on any India cricket, he's not commentating on any IPL. So he's probably resigned to the fact that, भाई मैंने करना ही नहीं है वहाँ पे, तो मैं तो खुल के बोलूँगा भाई जो मेरे को बोलना है। नहीं, और एक और रीजन है, एक और रीजन उन्होंने ये क्यों बोला, यहाँ पर वो टाइमिंग की हमने बात की ना, वो टाइमिंग आ जाता है, अब पाकिस्तान का टूर है ना, ऑस्ट्रेलिया पे जाना है उन्होंने, अब वो उस टीम के का हिस्सा है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया डोंट एक्सपेक्ट अस टू डू, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में वही एक्सपेक्टेशन होती है, इंडिया जीत के आई है तो हमें भी जीतना है, तो उन्होंने पहले से थोड़ा सा एक टीजर सा दे दिया, देखे भाई हम इंडिया गई थी तो वार्नर और वो नहीं थे, वो जीत गए, अब आप एक्सपेक्ट मत करें कि हम भी जाके वहां जीतेंगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक थोड़ा सा एक्सक्यूज भी दे दिया है पाकिस्तानी फैंस को। आई थिंक यहाँ पर भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रहते भी सिडनी में। I kind of don't blame them, man, because everything is so calculated in this world with an eye on the future or with an eye of two steps ahead. I don't blame them because these are the same people at the drop of a hat ab unke muh pe hum mic dal dete hain and we're always asking them for opinion. So at the end of the day, if every 2-3 days koi mere samne mic dal de ya sir is pe baat karo sir us pe baat karo, kahin na kahin inconsistencies to aayengi, 100% inconsistencies to aayengi, aur hamare jaise log fir ek saal baad un inconsistencies ko bahar layenge aur bolenge sir ye kya hua, fir aapne ye kiya. Nevertheless, this was an enjoyable episode of 575 ounces. Guys, this was the big, of course, news day, news story of the day. Just a reminder for all you guys who are watching this, Instagram pe jaiye agar aapko updates chahiye hamare shows ke. Go on Instagram, check out NewsClick Sports. You'll get intimations of not just 575 ounces, jo NewsClick ka cricket show hai, but also 420 grams, jo Bharati football pe kafi karibi nazar rakhta hai. So do go there, give it a follow, and do tune in. और अगर सिर्फ हमारे वो आपको अपडेट नहीं चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो हम जेमी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर एक तो अच्छे क्लिप वो बना के दे देंगे, कुछ आशिकी के 1990s के गाने, तो शायद इस बहाने आ जाए Instagram पे लोग फिर आपके कुछ भी देखने। चलो जी, if you want Jamie to make a cricket clip along with some 90s music, please put it in the YouTube comment section, then hopefully he'll listen to you guys and make a clip. Jamie Alter, Nikhil Nas, thanks so much for joining us. Milenge in our next episode.